विधायक शकुंतला साहू की गाड़ी को आपने हाईवा को अवैध उत्खनन करते पकड़ा हुआ था, 3 घंटे के अंदर आपका तबादला का बात कहा गया था और आपका तबादला भी हो चुका है, क्या कुछ पूरा मामला था और आखिर तबादला होने का कारण क्या है? जी एक्चुअल में बुधवार को मैं डिप्टी कलेक्टर श्री अंशुल वर्मा सर और राजस्व निरीक्षक प्रीतम चंद्राकर और मोहान के पटवारी खम्मन मांझी माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें मोहान में तटबंध 13 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत हुआ है, तो कुछ कृषकों द्वारा उन्हें पत्र दिया गया था कि उनकी भूमि जो है क्षरण हो रही है रेत के उसके कारण, नदी के बहाव के कारण उनकी भूमि कटाव में आ रही है, तो उसका निरीक्षण करने हम मोहान घाट गए थे और 5 महीना पहले कलेक्टर साहब भी वहाँ गए थे और उनकी डीओ लेटर के आधार पर वहाँ 13 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है, तटबंध स्वीकृत हुआ है, तो उसकी एक्चुअल जांच करने गए थे कि कितने कृषकों की भूमि प्रभावित हो रही है और क्या कर सकते हैं उसमें, तो वो जांच करके हम लोग आ रहे थे और रेत वेत पे कार्रवाई करने का कोई ऐसा उद्देश्य लेके नहीं गए थे। जैसे ही हम लोग घोटिया मोड़ के पास आए डिप्टी कलेक्टर साहब बोले कि वो एक हाईवा खड़ी है उस पर चेक करते हैं कि रॉयल्टी है कि नहीं है, तो मैंने RI को बोला कि जाके चेक करो, तो RI और मैं स्वयं गया, उससे रॉयल्टी मांगी, उसने कहा कि रॉयल्टी मेरे पास नहीं है, तो हमने बोला कि ठीक है रॉयल्टी नहीं है तो आपकी गाड़ी पे कार्रवाई होगी और माइनिंग से आपकी गाड़ी छूटेगी, प्रतिवेदन हम कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। हमने बोला कि आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, उन्होंने बोला कि ये सुनील साहू की गाड़ी है और सुनील साहू की गाड़ी है तो बात कर लीजिए, तो हमने बोला नहीं नहीं फ़ोन से बात नहीं करेंगे, फ़ोन आप स्विच ऑफ कीजिए, हम पंचनामा प्रतिवेदन बनाएंगे फिर आप माइनिंग से अपनी गाड़ी छुड़वा लीजिएगा। और इसी बीच में हमने SDM मैडम को भी इन्फॉर्म किया, SDM मैडम को इन्फॉर्म किया कि इनकी गाड़ी है और चूँकि सुनील साहू की गाड़ी है इसका मतलब विधायक की गाड़ी है, उनके खास है, उनके अच्छे टर्म्स हैं उनसे, तो हमने इन्फॉर्म किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है जिनकी भी गाड़ी हो कार्रवाई कीजिए, विधिवत अगर उनके पास रॉयल्टी नहीं है तो वो फ़ाइन पे करेंगे और माइनिंग से उनकी गाड़ी छूटेगी। तो हमने थाने ले जाके जब्तीनामा पंचनामा बयान सुपुर्दनामा तैयार करके थाने में दे दिया, उसके बाद फिर मैं आ गया। उसी बीच में मैडम का कॉल भी आया लेकिन हम चूँकि कार्रवाई में व्यस्त थे और भी कॉल आए तो हम कॉल रिसीव नहीं कर पाए, और फिर शिनाख्ती की कार्रवाई थी तो वो शिनाख्ती कार्रवाई करने मैं तहसील आ गया, TI साहब सुबह से बोल रहे थे तो शिनाख्ती कर रहा था, उसी बीच में विधायक मैडम आई तो कानूनगो ऑफिस में बैठी थी, बहुत गुस्से में थी, उन्होंने बोला कि हम फिर राजनीति छोड़ दें क्या, अगर आप विधायकों की गाड़ी पकड़ेंगे और हमारे आदमियों की गाड़ी पकड़ेंगे तो फिर हमारा राजनीति करने का मतलब क्या है। मैंने बोला मैडम ऐसा कोई उद्देश्य थे, तो शिनाख्ती कर रहा था उसी बीच में विधायक मैडम आई तो कानूनगो ऑफिस में बैठी थी, बहुत गुस्से में थी, उन्होंने बोला कि हम फिर राजनीति छोड़ दें क्या, अगर आप विधायकों की गाड़ी पकड़ेंगे और हमारे आदमियों की गाड़ी पकड़ेंगे तो फिर हमारा राजनीति करने का मतलब क्या है। मैंने बोला मैडम ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम आपकी गाड़ी ही पकड़ेंगे, ऐसा नहीं टारगेट नहीं था, और हमने समझाने का प्रयास किया, नहीं मानी, बोली कि ठीक है तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देंगे और कल तक तुमको ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है मैडम जो आपको उचित लगे, और वकील भी उस समय उपस्थित थे, हमारे सारे स्टाफ भी थे, पटवारी वगैरह थे, तो उसके बाद फिर 2-3 घंटे में ट्रांसफ़र लेटर मुझे प्राप्त हुआ। चूँकि मैं अवैध उत्खनन में कार्रवाई कर रहा हूँ, मेरे कारण एक घाट भी सील हुआ है, तो उनके तरफ से तो प्रतिक्रिया आएगी ही। अभी चूँकि विरोध में सब उतर रहे हैं आपके, आज एक दूसरी काम बंद का आपको तहसील ऑफिस बलौदाबाजार से किया गया है, पलारी से किया गया, अब आगे क्या आप लोग का रुख रहेगा? अभी चूँकि तहसील स्टाफ पटवारी RI कोटवार अधिवक्ता सभी मेरे साथ हैं और उन्होंने एक दिन सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है, तो उनके निर्णय पे मैं भी सहमत हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, 4-5 महीने पहले ही मैं यहाँ तहसील पलारी में आया था, 5 महीने में ही ट्रांसफ़र ये सही नहीं है, चूँकि नियम कहता है कि 3 साल एक ज़िले में हो जाए उसके बाद ट्रांसफ़र होना चाहिए, और ऐसा कोई गलत काम मैंने किया नहीं है कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से किया जाए, लगातार मैं अतिक्रमण भी हटाते आया हूँ तहसील बलारी में,
मेरे पहले वहाँ ना रेत घाट में कार्रवाई होती थी, ना ही अतिक्रमण हटता था। अभी लगातार फील्ड में मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, किसानों के भी कामों का त्वरित निराकरण कर रहा हूँ। मुझे भी संतुष्टि था कि मैं पलारी में रहूँ, लोगों का काम करूँ, लेकिन चूंकि अब राजनीति हो रही है मेरे साथ, तो आगे आज एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। बाकी मैं प्रांत कार्यकारिणी को अवगत करा चुका हूँ, प्रांत भी इस संबंध में आज या कल में निर्णय लेगा और संभवतः वो भी हमारे साथ आएंगे। और राज्य के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजनीतिक कार्यवाही से क्षुब्ध हैं। ऐसे में हमारा मनोबल गिरेगा। अभी सामने निर्वाचन है 2-3 महीने बाद। इस प्रकार से अगर दबाव में तहसीलदार को तत्काल 2 महीने में ट्रांसफ़र लेटर पकड़ाया जाएगा, तो निर्वाचन में हम किस प्रकार न्यूट्रल होकर काम कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा काम करना, बहुत दिक्कत होगी। अभी किसी प्रकार दबाव आपके ऊपर? अभी किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है, कहीं से फ़ोन कॉल वगैरह नहीं आया है। बाकी मैं दबाव महसूस नहीं कर रहा हूँ, निष्पक्ष होकर आपको अपनी बात और घटना का विवरण बता रहा हूँ। नहीं तो जो आपके ऊपर ये लगे हैं कि आपके वहाँ पे उनका जाके मैं फोन में उठाई से तब के हाँ भाई वहाँ ऐसे बात नहीं है। मैं रेत के मामला में देश कहा हूँ, मैं देश कहा हूँ। खराब कार्रवाई के कारण ऐसा किया गया? नहीं, मैं फोन में उठाई तब के। चलिए मैडम,